हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश यादव। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं यानी 32 इंच यानी जेप्रॉन का जो कर्व डिस्प्ले वाला जो मॉनिटर है उसके बारे में रिव्यू देखेंगे। ठीक है, आज इसमें मैं केवल और केवल इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं यानी ट्रेडिंग के पर्पज से। ठीक है, जितने भी लोग ट्रेडर हैं वो उनके लिए ये मॉनिटर बेस्ट है या नहीं है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और ये कैसा है ये पहले मैं बता दूं। ये एक तो 75 हर्ट्ज में आता है जो कि 12,000 की समथिंग है। ठीक है, और एक 165 हर्ट्ज में आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है आपकी जो मतलब क्वेश्चन होगा कि देखिए क्वालिटी का थोड़ा अंतर पड़ जाता है। ठीक है, ये 12,000 का आता है, वो 15,000 का आ रहा है। बट मैं देख रहा था कि अब जैसे ही आप आज के दिन मैंने इसको चेकआउट किया यानी फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे जो कि 45,000 के समथिंग चला गया है। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर भी है। ठीक है, जैसे अपनी मार्केट में होता है डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर भी डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई खत्म हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर प्राइस को बढ़ा दिया गया है यानी 45,000 के समथिंग कर दिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ठीक है, जो कि आज की प्राइस है आप भी देख सकते हो। ठीक है, 15,000 का ये मॉनिटर आया है, इसमें कौन कौन से पार्ट निकले अभी अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, तो ये कर्व डिस्प्ले है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स निकले और मैं इसको पूरा इसमें खोल करके और इस मॉनिटर को मैं पूरा लगा लेता हूं तब मैं आपको दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फाइनली इसको अनबॉक्स करके इसको मैंने पूरा इसको मॉनिटर को लगा दिया स्टैंड वगैरह पे, आपको दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, स्टैंड वगैरह पे मैंने इसको पूरा कम्प्लीटली लगा दिया गया है। अब मैं इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर करके यानी HDMI पोर्ट से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। पहले उससे पहले मैं बता दूं आपको इसमें मतलब इसको साथ साथ मिला क्या है। देखिए यहाँ पर इसके साथ इसका ये DP पोर्ट आ जाता है। ये ठीक है, जो कि अब मेरे लैपटॉप में DP पोर्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो मेरे को ये HDMI पोर्ट है जो कि मुझे अलग से लेना पड़ा है। ठीक है, HDMI पोर्ट इसके साथ केवल और केवल एक DP पोर्ट आया था। ठीक है, वो एक DC पोर्ट आया था जो कि इसका ये एडेप्टर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसको कनेक्ट करके इसमें से ये लाइट आएगी जो कि इससे ये चलेगी। ठीक है, अब इससे पहले इसके मैं पीछे अभी फीचर्स और बताऊंगा यहाँ पर इसमें क्या क्या है, उससे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कर्व डिस्प्ले है उसके पास। ठीक है, ये 165 हर्ट्ज में है। ठीक है, एक 75 में आता है और एक 165 में। 165 15,000 के समथिंग है जो कि आज प्राइस ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, एक 75 है वो थोड़ा कम का आता है, 12,000 के समथिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये फुल HD है, 1920x1080 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल है, गेमिंग मॉनिटर है लेकिन मेरे पर्पस केवल ट्रेडिंग के पर्पस से इसको लिया गया है। ठीक है, तो वो आप सिंपल देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये, अब चलिए इसको ऑन करते हैं और फिर मैं इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये रिबन ये यहाँ पे दिया गया है जेप्रोनिक्स की, यहाँ पर ये ब्रांडिंग कर रखी है। ठीक है, आपको अच्छे से दिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है यानी प्योर पिक्सल। अब इसके पिक्सल वगैरह कैसे क्या होंगे वो अभी यहाँ पर देखते हैं। फाइनली इसको देखिए कंप्लीट कर लिया गया है यानी इसको पूरा स्टैंड वगैरह पे कस लिया गया है। ठीक है, अब मैं देखिए इसको लैपटॉप से इसको कनेक्ट करूंगा। ठीक है, HDMI पोर्ट के थ्रू, यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, मार्केट जब ये मतलब मिला होगा ना मॉनिटर आपको आएगा है, तभी आपको एक DP पोर्ट मिलेगा और एक DC पोर्ट, केवल दो ही पोर्ट आएंगे। अगर आपके लैपटॉप में अगर DP पोर्ट कनेक्ट करता है तो आपको HDMI की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आपको HDMI पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अपने लोकल मार्केट से आप 150-200 रुपये का मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगर DP पोर्ट कनेक्ट नहीं करता है तो चलिए हम इसको इसके कनेक्ट करते हैं। चलिए इसको हम ऑन करते हैं इसके। ठीक है, DC पोर्ट को इसको कनेक्ट करते हैं, इसमें लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लिंकिंग लाइट होगी। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर की ये जल जाएगी। ठीक, और ये इससे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ चुकी है इसमें लाइट। ठीक है, अब जैसे इसको कनेक्ट करना हो तो ठीक है, यहाँ पर अपने जो स्क्रीन्स का अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंड का ऑप्शन आता है, डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, तो मतलब इसमें अलग वर्क कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कर सकते हैं, तो वो अपनी सेटिंग इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही अब इसमें देखिए इस वाली, जैसे मैं इस वाली टैब को यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए इस वाली टैब को इसमें से मैं इसको उठा करके इस वाले में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको, ठीक है, ये धन का चार्ट है। ठीक है, और मैं इसमें इसको देखिए यहाँ पर मैं चार्ट को अभी दो लगे हैं, यहाँ पर एक ये लगा, एक ये लगा है। ठीक है, एक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब मैं देखिए इसमें चार्ट पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ तो भी मतलब बहुत अच्छे से दिखता है। देखिए यहाँ पर कितना बेहतर तरीके से मतलब दिख रहा है यहाँ पर ये चार्ट, मतलब ये चार पार्ट में जब डिवाइड हो जाता है ना तो काफ़ी अच्छा यहाँ से दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप कॉल साइटी कॉल डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आप लगा सकते हो। ठीक है, इधर कॉल साइट लगा लीजिए, पुट साइड के लगा लीजिएगा। ठीक है, इंडेक्स वगैरह आप इस वाले चार्ट पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, और एक ही माउस से मतलब दोनों स्क्रीन को कवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आप ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पर इंडेक्स खुले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉल पुट का खुला हुआ है तो मतलब काफ़ी बेहतर हो जाता है। ठीक है, पिक्चर वगैरह की बात की जाए तो देखिए काफ़ी अच्छे मतलब पिक्चर वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो में कितने अच्छे से दिख पा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लाइटिंग का वो हो रहा होगा। ठीक है, आपको विजिबल अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुझे मतलब काफ़ी अच्छे से काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। ठीक है, 32 इंची की स्क्रीन है,
और इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। क्योंकि मैं देखिए एक सिंपल क्या करता हूँ, इसमें मैं कॉल कॉल के लगा देता हूँ ऊपर, इसमें कॉल का लगा दूंगा, इसमें पुट का, इसमें 5 मिनट और 1 मिनट का स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट के लिए मतलब बेहतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट के लगा दिए और कॉल आउटपुट के यहाँ पे 5 मिनट के यहाँ पे चार्ज लगा दिए। इंडेक्स को दोनों पे इस पे कवर कर लिया, बाकी बाद मतलब और भी है मतलब टैब वगैरह मेरे पास रखी है तो उसमें मैं जरूरत पड़ती है तो उसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर है मतलब, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है आपको, चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके पीछे स्पीकर की बात की जाए तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। स्पीकर्स वगैरह मतलब ट्रेडिंग के लिए एकदम बेस्ट है एकदम, अगर आप लेना चाहो मतलब 15,000 में बेस्ट है एकदम, बढ़िया से ट्रेडिंग वगैरह आप ईजी कर सकते हो, ठीक है। अगर बात की जाए इसके पीछे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ अभी। देखिए यहाँ पर पीछे यहाँ पर स्पीकर्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर्स हैं थोड़ी, मैंने अभी इसको साउंड को अभी दिखाऊंगा, ठीक है, कितनी इसकी साउंड वगैरह वो भी अभी मैं दिखाता हूँ। इसके नीचे आपको दिखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे एक USB पोर्ट है, ईयरफोन जैक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको ये DC पोर्ट मिल जाएगा, यानी जो एडेप्टर आएगा वो लग जाएगा। DC पोर्ट यहाँ पर है, USB, ईयरफोन, और उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको DP पोर्ट, ठीक है। DP पोर्ट जो कि मेरा सपोर्ट नहीं करता है, जो कि इसके जेब्रोनिक्स के साथ आया था, बट मेरे DP पोर्ट लैपटॉप में नहीं है तो मेरे को HDMI पोर्ट लेना पड़ा है, तो HDMI पोर्ट मैंने ये अलग से लिया है, ठीक है। इसके साथ ये एडेप्टर आया था। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर भी ये स्पीकर्स हैं, ठीक है, स्पीकर्स आवाज़ अभी साउंड कैसी क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये साइड से यहाँ पर ये देखिए बटन से दे जाते हैं, ठीक है, जो कि इसकी सेटिंग को ऊपर नीचे किया जा सकता है, यहाँ पर ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑन ऑफ का है, और अप एंड डाउन करने के लिए, लेफ्ट एंड साइड करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट करने के लिए यहाँ पर बटन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर क्वालिटी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसकी साउंड वगैरह कैसी क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए एक बार इसकी साउंड वगैरह भी चेक कर लेते हैं, यानी कैसी क्या साउंड है। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, ऊपर YouTube को सर्च करते हैं यहाँ पर, ठीक है। YouTube को मैं लगाता हूँ, यहाँ पर YouTube को लगाऊंगा, काफ़ी मतलब इससे कनेक्ट होकर के इससे काफ़ी बढ़िया चलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी सॉन्ग लगा देता हूँ अदरवाइज, ठीक है, मैं कोई भी सॉन्ग डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कॉपीराइट नहीं आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कैसी है, यहाँ पे साउंड वगैरह भी चेक कर लीजिए, ठीक है, आपको कैसी क्या लग रही होगी साउंड। यहाँ पर फुल स्क्रीन पर इसके बेजल्स वगैरह भी दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये साउंड वगैरह भी मतलब काफ़ी अच्छी कॉपी, यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है, इस वजह से इसको रोकना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पिक्सल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, बेहतर दिख रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो कि ट्रेडिंग है, बस अपन को पिक्सल वगैरह इतना को नहीं देखना, बस यहाँ पर साउंड वगैरह केवल और केवल ये ट्रेडिंग के पर्पज से लिया गया, ठीक है। और गेमिंग वगैरह के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है, गेमिंग के लिए 165 हर्ट्ज़ है तो गेमिंग भी अच्छे से हो सकती है। उसके लिए एक या तो बेहतर मतलब लैपटॉप हो या फिर CPU मतलब अच्छे लेवल का हो, उसकी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह रैम वगैरह अच्छी खासी हो, ठीक है। तो ये आसुस का मेरा है, ठीक है, 16 GB इसकी रैम है और 512 SSD है इसकी, ठीक है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख सकते हो ट्रेडिंग के लिए कि बेस्ट है। सो फाइनली आपने इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देख ली, ठीक है, ये कर पूरा डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ देखी, इसका स्टैंड वगैरह वो सारा मेटल का है, ठीक है। तो मतलब ट्रेडिंग के लिए एकदम बेस्ट है, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मतलब नहीं, थोड़ा सा मैंने इसमें देखा है कि अभी मैंने इसको बजा करके देखा, ठीक है, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। नहीं, थोड़ी साउंड है इसमें, जो पीछे स्पीकर्स हैं वो इतनी साउंड नहीं है, ठीक है, देखा तो इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो साउंड वगैरह बाकी अपन को इतना नहीं है, मतलब अपन ट्रेडर हैं तो आपको केवल चार्ट देखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो अपन केवल उसी पर्पज से लिया गया है, ठीक है। तो आप भी ले सकते हो, ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा आपको 15,000 के समथिंग। आज अभी होली है तो ये मतलब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, 2-4 दिन में फिर से डाउन आ जाएगी, ठीक है। एक महीने पहले ऐसे भी पहले भी हुआ था, यानी 45,000 पहले भी कर दी थी। जब भी मतलब डिमांड एंड सप्लाई का वो होता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। तो आप ले सकते हो, मतलब ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। इसमें मेरे को क्लियर कट एकदम चार्ट दिख रहे हैं, आप भी इसे अच्छे से ले सकते हो। अगर धन या स्टॉक या फायर्स वगैरह में किसी में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।